हैदराबाद में दो ट्रेनें आपस में भिड़ी, कई लोग घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शिवसेना बीजेपी का 30 साल पुराना साथ टूटा, अब महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस की मदद से सरकार बनाने की तैयारी में शिवसेना। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए एनसीपी कांग्रेस की बैठक, शिवसेना सांसद अरविंद सावंत आज केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। जेएनयू में हॉस्टल फीस बढ़ोतरी समेत कई नए नियमों के खिलाफ छात्र संघ का प्रदर्शन, कई प्रदर्शनकारी छात्र छात्राएं हिरासत में लिए गए। कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवा और बिजली सप्लाई को लेकर हाहाकार, बांदीपोरा में दो चरमपंथी एनकाउंटर में मारे गए। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला आने के बाद गिरफ्तारियों का दौर, भड़काऊ पोस्ट लिखने के आरोप में यूपी में 77 गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर बिगड़ी, कई इलाकों में एक यूआई 350 से ऊपर पहुंचा, आज और कल ऑड इवन नहीं। और लैटिन अमेरिका देश बोलीविया में दक्षिण पंथियों के हंगामे के बीच राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने इस्तीफा दिया।